हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर गाइज आप यहां पर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं और यहां पर जब भी आप यहां पर अंदर जाते हैं, तो जब भी आप यहां पर अकाउंट आपका एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाते हैं तो आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है, एरर बोलकर सॉरी वी कुडंट कम्प्लीट योर रिक्वेस्ट, प्लीज़ ट्राई अगेन इन अ मोमेंट बोलकर यहां पर आपको डिसमिस का ऑप्शन दिखाई देता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिए और ध्यान से देखिएगा। अगर गाइस आप स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। और अगर गाइस आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको फ़ोन की सेटिंग में आपके चले जाना है। फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद ऐप्स में जाना होगा। ऐप्स में जाने के बाद गाइज यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम के अंदर जाना होगा। इंस्टाग्राम के अंदर जाने के बाद मोबाइल डेटा में जाना होगा। ऑल ऑफ बैकग्राउंड डेटा यूसेज ऑन है या नहीं देख लेना है, बैक है जाना है। फिर यहाँ पर आपको स्टोरेज में जाना होगा, क्लियर कैच कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 519 MB यानी हाफ GB गाइस। तो यहाँ पर क्लियर कैच कर लेना है, जिससे यहाँ पर कैच हो जाएगा, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम यहाँ पर टाइप कर लेना है गाइस। इंस्टाग्राम टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद गाइस आपको ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट कीजिए या फिर इंस्टा पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू वेरी मच।